Okay. Uh, जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन नॉट गुड मॉर्निंग इट्स गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग जल्दी से जल्दी बताइए आपको आवाज़ पहुंच रही है प्रॉपर तरीके से तब तक जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपनी क्लास को शेयर कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे अपने सेशन की तरफ चलिए जी चलिए 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 ओके okay. तो करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट तो आज हमारा जो है सेशन है और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम यूपीएससी सीडीएस के लिए चीजें डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल जैसा कि आप सब जानते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ़ अपने लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से और यहाँ पे मेरे साथ जो है एक लाख पैंतीस हज़ार प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी आके यहाँ पे जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है तो बाकी जो भी सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करना है आपकी मर्जी है आप कर सकते हैं लेकिन टेलीग्राम चैनल के साथ आपको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर और टेन थाउजेंड एम को मेरा एक पेड कोर्स आता है जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज जो है प्रॉपर तरीके से एम सी क्यू करते हैं डिटेल में यहाँ पे चैप्टर वाइज एम तो है ही है और प्लस यहाँ पे जो है आपके अलग अलग फोल्डर डिफेंस एग्जाम का एस एस रेलवे का और यू का अलग फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है और इसके अंदर आपका एक कूपन कोड लगाना है विपन टेन आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड दिस ये कोर्स जो है मेरे द्वारा बनाया गया है और जी कोर्स जो है हमारा थियोरी कोर्स है ठीक है और ये थियोरी कोर्स जो है आपका इसके अंदर आपका कूपन कोड है वी आई अगेन आप डिस्काउंट लेके अपना स्टार्ट कर सकते हैं ये वाला कोर्स क्लियर अब इसमें दो कोर्सेज आप परचेज़ कहाँ से कर पाएंगे दो जगह से या तो आप स्टडी आई क्यू ऐप से आप कर सकते हैं या आप वेबसाइट से कर सकते हैं स्टडी आई क्यू डॉट कॉम से क्लियर जैसे आप इसको ऐप ऐप को जो आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज यहाँ पे आपको देखिएगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज यहाँ पे व्यू ऑल का बटन इस व्यू ऑल के बटन को दबाना जैसी आप दबाएंगे टेन थाउजेंड एम सी कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर और जी एस कोर्स आपको दिखेगा चौथे नंबर के ऊपर क्लियर सो so, जो भी कोर्स आपको परचेज करना है आप कर सकते हैं और प्रेपरेशन आप आगे अपनी बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर आपका एग्जाम तीन चार महीनों में है चार पाँच महीनों में कोई भी एग्जाम है आपका तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि टेन थाउजेंड एम सी की कोर्स परचेज कीजिए अगर आपका कोई एग्जाम है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आपको बिल्कुल भी जी एस पता नहीं है जब आप नेक्स्ट ईयर दो साल तीन साल का एक प्लान लेके चल रहे हैं तब भी आपको जी एस कोर्स परचेज करना है स्टार्टिंग में ठीक है स्टार्टिंग में परचेज करेंगे ताकि

टी जो होता है वो प्रोड्यूस होती है असम के अंदर ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कॉफ़ी जो होती है वो आपका कर्नाटक के अंदर ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है सेफरन केसर जो होता है हिमाचल प्रदेश में होता है गलत है सेफरन जो होता है मैक्सिमम आपका होता है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में देखने को आपको मिलता है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सैफरन इज डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर क्लियर वीट के लिए मैं बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है यूपी पंजाब वाले एरियाज में देखने को आपको मिलती है और ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे पॉजिटिव इफेक्ट जो देखने को मिला था वो गेहूं के ऊपर देखने को मिला था टी जो है आपकी चाय असम के अंदर होती है और टी शावर्स होते हैं टी शावर्स जो आपके प्री मानसून शावर होते हैं जो आपके चाय की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो असम में होते हैं कॉफ़ी शावर जो होते हैं अगेन कर्नाटक के अंदर देखने को आपको मिलते हैं दिस इज़ द कॉफ़ी शावर क्लियर और कॉफ़ी शावर जो है कर्नाटक केरल में देखने को आपको मिलते हैं सैफरन मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में होते हैं और जहां से उगाए जाते हैं वो उस लैंड को हम क्या कहते हैं करेवाज़ कहा जाता है करेवा से जो लैंड लैंड फीचर है वहां से उगाया जाता है आपका सैफरन क्लियर और वर्ल्ड वाइड जो सैफरन है केसर है वो कहाँ पे उगाया जाता है डेट इज़ वर्ल्ड वाइड ईरान के अंदर उगाया जाता है सबसे ज़्यादा

क्वेश्चन बोलता है स्टेट लेजिस्टिव काउंसिल जो है आपका इलेक्ट करी जाती है जानि कि विधान परिषद की बात कर रहे हैं और इसमें कितने जो लोग होते हैं मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं असेंबली द्वारा कितने लोगों को इलेक्ट किया जाता है असेंबली द्वारा यानी कि विधानसभा द्वारा अब देखिए स्टेट लेजिस्टिव काउंसिल का जो आर्टिकल नंबर है वो वन स्टेट लेजिस्टिव काउंसिल जो होती है परमानेंट हाउस होता है आपका परमानेंट uh, का मतलब क्या हो गया परमानेंट वर्ड का मतलब क्या होगा स्थाई सदन है और इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता लेकिन इस हाउस को कभी भी अबोलिश किया जा सकता है अबोलिश करने का मतलब क्या है इसको ख़त्म किया जा सकता है हाउस को ही खत्म किया जा सकता है और इसको क्रिएट भी किया जा सकता है इसको बनाया भी जा सकता है और ये बनाया और ख़त्म किया जा जाएगा अंडर आर्टिकल वन इसमें क्या होता है जो आपकी स्टेट लेजिस्टिव असेंबली होती है वो बिल पास करती है जैसे बिल पास किया वो पार्लियामेंट के पास जाएगा और पार्लियामेंट आगे बिल पास करके इसको ये कर देगी ठीक है तो डैट मीन्स अबॉलिश और

इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो असेंबली वाला क्वेश्चन था तो इसका वन थर्ड इज द करेक्ट आंसर क्लियर तो इस इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वन थर्ड कहाँ पे है ये जितने मेंबर्स हैं उसके वन थर्ड जो होंगे वो असेंबली से चुने जाएंगे आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा समझ आया आप लोगों को जी आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर वन थर्ड ऑफ द मेंबर अगेन याद रखिए आर्टिकल 169 के अंदर आपकी क्रिएशन और खत्म करने की चीजें लिखी गई हैं अगर आपसे पूछा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है कहां कहां पे तो कर्नाटक में है ठीक है तेलंगाना में है आंध्र प्रदेश में है महाराष्ट्र में है बिहार में है और यूपी में है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है क्लियर हो गया जी तो ये छह राज्यों में आपको देखने को मिलती है विधान परिषद ये ऑलरेडी आपका पूरा स्टेटस लिख दिया है मैंने यहाँ पे चले जी आगे देखते हैं हु इंट्रोड्यूस काबुलियत एंड पत्ता ये एक आपके लैंड की एग्रीमेंट्स होते हैं लैंड लैंड का जो है पार्ट है इसमें जो होता है आपका जैसे काबुलियत होता है जितना आपने प्रोड्यूस किया उसको लैंड का कितना हिस्सा आप राजा को देते हैं और पत्ता क्या होता है पत्ता होता है आपका जो आपका सेटलमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटलमेंट और ये मतलब कितने जमीन जो है कितने में आपने सेटलमेंट करी है तो ये जो चीज़ है ये किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस करी गई थी शेरशाह सूरी के टाइम पे इंट्रोड्यूस करी गई थी आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नेम क्या है फरीद है और इनको शेर खान का एक टाइटल मिला था और किसने दिया था बाबर खान लोहान

कन्नौज जिसे आप बिलग्रिम की लड़ाई कहते हैं 1540 दोनों लड़ाइयों में शेरशाह शाह सूर्य जीता था और हुमायूं हारा था और हुमायूं को 15 साल के 15 साल के लिए इन्होंने मतलब राजा मतलब राजा ही नहीं खत्म कर दिया था मतलब 15 साल तक पूरा इंडिया में सुर एम्पायर का रूल चल रहा था आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक वो पर्सन है इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है फतोहत ए फिरो शाही फतोहत ए फिरो शाही क्लियर ये याद रखना है और फिरोजशाह जिन्होंने जो गुलाम रखने का बड़ा शौकीन थे दीवान बंदगन इन्होंने बनवाया क्लियर और दीवान बंदगन था और इन्होंने जो है आपका जो डेट इज़ दीवान खैरात जिसमें गरीब लड़कियों की शादी के लिए खैरात देते थे आपका जो है लोगों को पैसे देते थे इन्होंने बनवाया फिरोशाह तुगलक अलाउद्दीन खिलजी जिनका ओरिजिनल नेम क्या है आपका गुरशप है इनको दूसरा सिकंदर भी कहते हैं सेकंड अलेक्जेंडर भी इनको कहा जाता है दूसरा सिकंदर क्लियर हो गया आप लोगों को और अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मनी के लिए लड़ाई लड़ी थी राणा रतन देव जी के साथ राजपूत राजा के साथ और उनको गलती से गलती से मतलब जो है मतलब गलत तरीके से मारा था जो एक किंग नहीं मार सकता ऐसा मारा था उन्होंने मतलब कि एज ए किंग नहीं मारा था मतलब किंग एज ए किंग मतलब कहने का मतलब यह कि उसको धोखे से मारा था राणा रतन देव जी को और पदमावत एक पुस्तक लिखी गई है एक इनके ऊपर पद्मावत पद्मावत जो पुस्तक लिखी थी मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी और किसके टाइम पे ये लिखी थी शेषा सूरी के टाइम पे लिखी गई थी क्लियर याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने द, जो है दूसरा सिकंदर भी कहते हैं और इन्होंने मार्केट रिफॉर्म बहुत सारे किए चार ऑर्डीनेंस इशू करी थी यहाँ पर और प्लस जो है आपकी मार्केट में रिफॉर्म के लिए मार्केट uh, में रिफ़ॉर्म के लिए जो है इन्होंने शाहने मंडी की एक पोस्ट तैयार करी थी शाहने मंडी जो आपके मार्केट के अंदर जो है रिफॉर्म को देखता था इन्होंने इकता सिस्टम को कैश में तब्दील किया मतलब सैलरी भी हम कैश uh, में देंगे और टैक्स भी हम अपना कैश में लेंगे इन्होंने हुलिया जिसे आप चेहरा सिस्टम भी कहते हैं जिसमें आपका रोल नंबर लगता था रोल नंबर वन टू करके सोल्जर्स के लगते थे और इन्होंने जो है हुलिया और चेहरा के बाद जो है आपका दाग सिस्टम भी स्टार्ट करवाया जो ब्रांडिंग करता था हॉर्सेज की और इन्होंने बोला था किंगशिप नोज नो किंगशिप यानी कि जो राजा है उसका बेटा राजा नहीं बन सकता जिसके अंदर जो दम होगा किंगशिप को संभालने का राज राज दरबार को संभालने का वो बनाएगा अकबर की बात करता हूँ तो अकबर ने इबादत खाना बनाया था हॉल ऑफ प्रेयर बनाया था दीने इलाही का धर्म स्टार्ट किया था जिसमें सारे धर्मों का मिशन था और आपका दैट इज़ ओनली ओनली दैट इज़ जो एक पर्सन था महेश दास महेश दास जिसे हम बीरबल कहते हैं वो अकेला पर्सन था जो इस धर्म को जिसने अपनाया था क्लियर और अकबर का टॉम कहाँ पे है सिकंदरा नियर आगरा के अंदर है आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर सी है शेषा सूरी सासाराम बिहार में इनका टॉम है अगला बताइए शुद्धि मूवमेंट शुद्धि मूवमेंट क्या जो मूवमेंट थी आपकी नाइनटीन में देखने को मिली थी जिसमें हम नॉन हिंदू को हिंदूज में कन्वर्ट करते थे ये जो मूवमेंट है किसने स्टार्ट करवाई थी ये मूवमेंट जो है किसने स्टार्ट करवाई थी बिल्कुल जी इन्होंने करवाई थी स्वामी शरदानंद जी ने स्टार्ट करवाई थी आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर स्वामी शरदानंद जी ने स्टार्ट करवाई थी आंसर इज बी ऑप्शन उसके बाद है आपका स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या है नरेंद्र नाथ दत्ता और अजीत सिंह जो खेतरी से बिलोंग करते थे आपके उन्होंने इनको टाइटल दिया था विवेकानंद का टाइटल दिया था और विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है बारह जनवरी को जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं आपका नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट हम करते हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर 12 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड यूथ डे ध्यान रखना वर्ल्ड यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए विवेकानंद जी ने रामाकृष्णा मिशन स्टार्ट किया था रामाकृष्णा मिशन स्टार्ट किया था इनके गुरु के नाम के ऊपर रामाकृष्णा परमहंस जी के नाम के ऊपर रामाकृष्णा परमहंस रामाकृष्णा परमहंस जो हैं ये रामाकृष्णा परमहंस उनका ओरिजिनल नेम क्या है गदोदर चट्टोपाध्याय इनका ओरिजिनल नेम है महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम है महादेव देसाई और 2 अक्टूबर 1869 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और 2 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट करते हैं मदुरई वो इलाका है जहाँ पे हाफ नेकेड मतलब इन उसके बाद इन्होंने शर्ट पहनना बंद कर दिया था बिरला हाउस में इनको मार दिया गया था जब ये बिरला हाउस में जाने वाले थे प्रेयर के लिए राजघाट पे मार दिया गया था नाथुराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को मारा गया था और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो गांधी जी कहाँ पे थे नोखाली डिस्ट्रिक्ट में थे नोखाली डैट इज़ इन द बांग्लादेश नाउ बट अदरवाइज कैलकटा में था उस टाइम पे नोखाली जो है कैलकटा uh, में और uh, जो है वहां पे हिंदू मुसलमान के झगड़े निपटा रहे थे ठीक है कैलका में है ये शहर नोखाली ठीक है आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा राइट right आंसर स्वामी शरदानंद इज द करेक्ट आंसर ये है जी स्वामी शरदानंद जी क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन सा हाउस है जो आपका अबॉलिश किया जा सकता है लेकिन डिसॉल्व नहीं किया जा सकता अभी हमने डिस्कस किया था राज्यसभा इज परमानेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज परमानेंट ये इसको भंग तो कर नहीं सकते लेकिन इसको हम खत्म कर सकते हैं आर्टिकल वन सिक्सटी नाइन द्वारा मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया था ये तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर क्लियर राज्यसभा कभी भी, भी आपका भंग नहीं हो सकता डिजोल्व नहीं कर सकते अबॉलिश नहीं कर सकते राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो छः साल के लिए चुने जाते हैं सिक्स ईयर्स के लिए क्लियर और उनके वन थर्ड जो मेंबर होते हैं हर दो साल बाद रिटायरमेंट लेते रहते हैं म्यूंसिपल बॉडीज़ के लिए बात करते हैं तो इसके लिए अमेंडमेंट याद कीजिए सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन टू जो इंप्लीमेंट करी गई थी नाइनटीन थ्री में चेन्नई मद्रास जहाँ पे आपकी पहली म्यूंसिपैलिटी स्टार्ट करी गई थी याद रखना है आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया था चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं वाई सत्याग्रह जो लॉन्च किया गया था 1924 के अंदर ये किसके लिए था त्रैवन कोर केरल के अंदर स्टार्ट किया गया था वाई दैट इज द कोटायम डिस्ट्रिक्ट केरल के अंदर देखने को आपको मिलता है जिसके अंदर जो है आपकी जिसके अंदर जो है आपकी डिप्रेस्ड जिसके अंदर जो है आपकी डिप्रेस्ड क्लासेस की एंट्री जो है ये रोक दी गई थी तो इसका आंसर क्या बनेगा दैट इज़ दैट इज़ फॉर द ओपनिंग ऑफ द टेंपल टू द लो कास्ट हिंदू यानी कि इनके लो कास्ट हिंदूज को एंट्री करवाने के लिए वाई सत्याग्रह किया गया ट इज इन द्रेवन कोर त्रेवन कोर के अंदर स्टार्ट किया गया केरल के अंदर स्टार्ट किया गया 1924-25 के अंदर 24 तो लिखा ही गया है ठीक है 24-25 के अंदर क्लियर हो गया आप लोगों को ठीक है ठीक है और किसके द्वारा मन्नातु 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 पद्मनाभन पद्मनाभन इनके द्वारा स्टार्ट किया गया म, सही है ना पद्म पद्मनाभन के द्वारा स्टार्ट किया गया आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बन जाएगा क्लियर हो गया आप लोगों को जी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर वाइकॉम सत्याग्रह ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में ये है जी आपका वाइकॉम सत्याग्रह कोल बेल्ट जो पेनिसुलर इंडिया के अंदर है ये किस टाइम पे बनी थी पेनिसुलर इंडिया वो एरिया होता है जहां पे आपका तीनों साइड से जो है हम पानी से घिरा होता है दैट इज कॉल्ड पेनिसुलर तो ये किस टाइम पे बना था मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो आपकी कोल माइंस हैं वो दो तीन जगह के ऊपर हैं मध्य प्रदेश में उड़ीसा में केरल में ठीक है यहाँ पे आपकी जो है इंपॉर्टेंट कोल माइंस देखने को आपको मिलती हैं जो सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन करती हैं ठीक है साउथ इंडिया के अंदर और यहाँ पे जो एरिया है आपका कौन से टाइम पे बना था कार्बोनी टाइम के ऊपर बना था आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर क्लियर लेकिन इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो कोल है कोल किससे बनता है सेडिमेंट्री रॉक से अवसादी चट्टानों से हमें देखने को मिलता है अवसादी चट्टानों से और ए बी एल पी के नाम से मैंने आपको चार वैरायटीज याद करवाई थी एंथ्रासाइड बिटोमिनस लिग्नाइट और पीट एंथ्रासाइड सबसे अच्छी वैरायटी है कार्बन कंटेंट यहाँ पे है और आपको जलाने के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है लेकिन पीट सबसे ज़्यादा बेकार है सबसे धुआं देने वाला बहुत बेकार है ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को और इसके अलावा कुछ माइंस याद कर लीजिए बोकारो बुकारो माइंस रानीगंज और जरिया ये आपकी कोल्ड फील्ड है क्लियर जरिया कहाँ पे है झारखंड के अंदर देखने को मिलता है रानीगंज वेस्ट बंगाल में है बोकारो आपका झारखंड में है क्लियर ये आपकी कोल माइंस आपको याद कर लेनी है बड़ी इंपॉर्टेंट कोल माइंस है ये वाली क्लियर और आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर डेट इज कोयले के लिए जो है आपकी कार्बोनी फेरस जो है बेल्ट देखने को आपको मिलती है समझ आया जी क्लियर कार्बोनी फेरस पीरियड समझ आया आंसर इसमें C इज़ द करेक्ट आंसर C ऑप्शन इज द करेक्ट वन कार्बोनीफेरस पीरियड फॉसिल्स होते हैं अगला बताइए अगर हम किसी एनिमल से एंटीबॉडीज ले लें यानी कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए कोई भी चीज़ होती है दूसरी चीज़ से बॉडी से ले लें और इंजेक्ट कर दें हम अपनी बॉडी के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि हमने आर्टिफिशियल तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जो है इंजेक्शन डाला है खास करके जैसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं वैक्सीन का आजकल तो आपने नाम सुना ही होगा वैक्सीन वैक्सीन आ गई है वैक्सीनेशन क्लियर वो इन हम वो वैक्सीन बनाई है कहीं से बनाई है हमने और वो हम किसी बॉडी के अंदर डालते हैं तो आर्टिफिशियल तरीके से डाल दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है इम्यूनिटी पैदा हो जाए और वो पैसिवली डैट इज़ आर्टिफिशियली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है आपकी बॉडी के अंदर पैदा हो जाए कृत्रिम रूप से आ, निशिक्रिया प्रतिरक्षा हासिल कर ली है तो दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा आर्टिफिशियली पैसिव तरीके से जो है इम्यूनिटी बिल्डअप करना वो वैक्सीन के थ्रू होता है आंसर इज बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बी ऑप्शन क्लियर और यहां पे देखिए जी एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो इम्यूनिटी वो होती है आपका जो इंजेक्शन और जो हम वैक्सीनेशन से ले लेते हैं ठीक है लेकिन एक चीज ध्यान रखना एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है एक होती है नेचुरल एक होती है आर्टिफिशियल नेचुरल वो होती है अगर आप इंफेक्शन एक्सपोज किए तो आपकी बॉडी खुद बना रही है उस वो नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल वो होती है जो वैक्सीनेशन के थ्रू होती है लेकिन पैसिव क्या होती है ये ध्यान रखना ये किसी और टाइप की होती है जो पैसिव में आपकी नेचुरल होती है जैसे बच्चे के अंदर आ गई मदर से बच्चे के अंदर आ गई क्लियर और आपकी आर्टिफिशियल वो होती है जो आपका मेडिसिन वगैरह से देके हम डाल देते हैं क्लियर मेडिसिन वगैरह से देके डाल देते हैं तो इसका मतलब क्या बनेगा ये आपकी जो किस टाइप की इम्यूनिटी है ये आपकी आर्टिफिशियल ही है लेकिन पैसिव है एक्वायर्ड है लेकिन इसमें हमने इंजेक्ट किया दूसरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया सीरम वगैरह इंजेक्ट किया समझ आया समझ आ गया आप लोगों को जी हमने कुछ इंजेक्ट इन, किया है दूसरी बॉडी के अंदर तो वो आर्टिफिशियल तरीके से आपकी बॉडी बनती है समझ आया तो दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यून फ्रॉम द सीरम अगला देखिए जी द फॉलिंग इज अलाउड द हु अलाउड द मुस्लिम टू प्रीच इस्लामिक फेथ इन देयर एम्पायर इस्लामिक फेथ यानी कि आप जो है कर सकते हैं आप जो भी अपना जो है धर्म का प्रचार कर सकते हैं इस्लामिक फेथ को आप बढ़ा सकते हैं ये किस वंश के टाइम पे हुआ था राष्ट्रकूट वंश के टाइम पे देखने को आपको मिला था राष्ट्रकूट वंश जो है बड़ा सेकुलर वंश था आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर राष्ट्रकूट का जो ओरिजिनल राजा था वो था दंते दुर्ग दंते दुर्ग और इनका एक राजा था जिनका नाम था अमोघ वर्षा अमोघ वर्षा और ये वही पर्सन है जिन्होंने इनकी कैपिटल बनाई थी मान्याखेता मान्याखेता ठीक है कैपिटल थी और एक चीज आपको और बताना चाहूँगा राष्ट्रकूट के वंश के अंदर जो है आपका एक राजा था कैलाश सॉरी कृष्णावन कृष्णावन वन था जिन्होंने कैलाश टेम्पल बनाया था जो है एलोरा के अंदर जहाँ पे आपका त्रिमूर्ति है शिव भगवान की त्रिमूर्ति का मतलब क्या है बनाने वाला बचाने वाला और खत्म करने वाला ठीक है तो ये टेम्पल भी इन्होंने बनाया था यहाँ पे समझ आया जाए आप लोगों को जी वन ने और एलोरा टेंपल बनाया था कृष्णा वन ने एलोरा टेम्पल शिव टेंपल क्लियर हो गया आप लोगों को समझ आया तो आंसर इसमें क्या बनेगा फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर राष्ट्रकूट इज द राइट आंसर पाल वंश एक ऐसा वंश है जो बुद्धिज़्म को जो फैलाने वाला लास्ट वंश था वो आपका पाल वंश था और इसमें एक राजा थे धर्मपाल जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी और इस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तोड़ा किसने था बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था बख्तियार खिलजी जो कमांडर इन चीफ है किसका कुतुबुद्दीन ऐबक का ये आपको ध्यान रखना है और जो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने और ऐसी ही आपकी बिहार के अंदर एक यूनिवर्सिटी और थी डेट इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी वो बनाई थी कुमार गुप्ता ने कुमार गुप्त की भी नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ को तोड़ के तोड़ फोड़ कर कौन करके गया था अगेन बख्तियार खिलजी करके गया था दोनों यूनिवर्सिटीज को बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था आंसर इसमें फोर ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर क्लियर राजकूट मान्याकेता वॉज द कैपिटल <coughs> अगला देखो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है ये किससे बिलोंग करता है हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है आपका किससे बिलोंग करता है ये आपका क्वेश्चन है जी हिमालय जो हैं ये पहले इनका ओरिजिन कहाँ से देखने को मिला है टैथे सी से देखने को मिला है टैथे सी से ओरिजिनेशन देखने को मिला और हिमालय जो होते हैं ये यंग फोल्ड माउंटेन है आपकी यंग फोल्ड माउंटेन है यानी कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जो है इसके अंदर होती रहती है प्लेट टकराती रहती हैं तो ये फोल्ड माउंटेन का पार्ट बनता है आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर फोल्ड माउंटेन का पार्ट बनता है और ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है आपकी हिमालयस और ओल्ड फोल्ड माउंटेन सबसे ज़्यादा कौन सी है आपकी दैट इज अरावलीज अरावलीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और अरावलीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी डेट इज गुरु शिखर जो इंडिया में है गुरु शिखर गुरु शिखर जो है ये आपकी कहाँ पे है राजस्थान में ठीक है आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा ब्लॉक माउंटेन्स जो होती हैं जैसे आपका नर्मदा रिवर बना देती है रिफ्ट वैली बनाती है नर्मदा रिवर जिसमें एक ब्लॉक जो होता है वो नीचे की तरफ धस जाता है डैट इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन क्लियर वॉलकैनिक जो बॉल्कैनों से बनती हैं तो आंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा राइट आंसर फोल्ड माउंटेन क्लियर हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट जो है एट मीटर देखने को आपको मिलती है हाइट और ये माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है नेपाल के अंदर देखने को मिलती है तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर यंग फोल्ड माउंटेन देखने को मिलती हैं तो दिस इज द यंग फोल्ड माउंटेन अब यहाँ पे एक चीज देखिए जो ये इधर वाला पार्ट है और इधर वाला पार्ट है ठीक है ये एंकर होते हैं मतलब ये बाउंड्री है अगर हम मैं बात करूँ ईस्टर्न साइड के ऊपर यानी कि अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री की बात करूँ तो यहाँ पे है आपका दैट इज द ईस्टर्न एंकर इज कॉल्ड नामचा बारवा ठीक है और यहाँ पर आपका वेस्टर्न एंकर है जिसे हम क्या कहते हैं नंगा पर्वत नंगा पर्वत तो दीज़ आर दिस दिस इज अ वेस्टर्न एंकर एंड दिस इज द ईस्टर्न एंकर ये नामचा बर्बा को क्रॉस करके ही अरुणाचल प्रदेश में हमारी कौन सी रिवर आती है यहाँ से uh, जो डेट इज ब्रह्मपुत्र आती है तो दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को समझ आया जी So इसमें क्या बनेगा आपका आ, जो है हिमालय वाला पार्ट बनेगा यंग फोल्ड माउंटेन अब यहाँ पे देखो फोल्ड माउंटेन्स का पार्ट क्या है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है ये इधर से धक्का लगा रहा है इधर से धक्का लगा रहा है और ऐसे फोल्ड बनते जा रहे हैं तो दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स अगला देखिए जी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पावर जनरेशन होती है वो कौन सी होती है सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन जो है सबसे ज़्यादा कौन सी देखने को मिलती है मेनली डेट इज़ अ थर्मल पावर आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर थर्मल पावर अप्रॉक्सीमेटली 65 परसेंट के आसपास ठीक है और थर्मल पावर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी मदद से करी जाती है कोल से पैदा करी जाती है आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर ए ऑप्शन थर्मल पावर सबसे ज्यादा होती है ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है यूपीएससी के एग्जाम में लगा लो ठीक है और किसी भी एग्जाम में लगा लो डिफेंस के एग्जाम में लगा लो किसी भी जगह के अंदर समझ आया जी तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बन जाएगा ठीक है सो दिस इज द कोल कोल से सबसे ज्यादा होती है देन हाइड्रो देन गैस देन उसकी रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म वगैरह देखने को मिलती रहती है आपके इंडिया में अगला बताइए अगला बताइए फटाफट अकॉर्डिंग टू द कैपलर द पाथ ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कैपलर के अकॉर्डिंग जो है कोई भी चीज़ है आपका प्लैनेट्स जो है ऐसे घूमते हैं अराउंड द सन ऐसे घूमते हैं वो कौन सा पाथ लेते हैं जैसे मैंने बनाया और इस पाथ को हम क्या कहते हैं इलिप्टल पाथ कहा जाता है आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर अंडाकार अंडाकार फॉर्म में ये right चलते हैं इलिप्टल पाथवे में ये हमारे चलते हैं समझ आया जी जी एलिप्टिकल पाथवे में बिल्कुल इस तरीके से चलते हैं ऐसे ऐसे घूमते हैं क्लियर दो दिस इज इलेप्टिकल पाथवे ये देखो जी इलेप्टल पाथवे द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैपुलर मोशन कहते हैं प्लैनिटरी मोशन के अंदर क्लियर और इनकी जो टाइम पीरियड होता है ना वो किसके बराबर होता है आर स्क्वेयर रेडियस के क्यूब के बराबर ये भी आपको फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो ये देख लेना टी स्क्र इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब टी स्केर इज टी इज द टाइम पीरियड आर इज द रेडियस अगला बताइए अगला क्वेश्चन है इनमें से ऐसा कौन सा फॉलोइंग पेयर है बैटल्स का और पार्टीज ऑफ बैटल का जो करेक्टली मैच होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी गई थी पंद्रह ईस्वी में 1576 के अंदर और हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी, लड़ी गई थी मानसिंह और आपका मानसिंह और डेट uh, इज़ uh, 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 जो है द पर्सन वॉज महा महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप की लड़ाई लड़ी गई थी महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था चेतक ठीक है 1576 के अंदर बैटल ऑफ खानवा ये बाबर की लड़ी गई थी इब्राहिम लोधी के साथ ही लड़ी थी इब्राहिम लोधी के साथ तो इन्होंने पहली बैटल ऑफ पानी पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बैटल ऑफ खानवा जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ खानवा वो किसके बीच में हुई थी यस yes, बताइए किसके बीच में हुई थी बैटल ऑफ खानवा अकबर और यस yes, राणा सांगा राणा सांगा के बीच में जो राजपूत राजा था ठीक है बैटल ऑफ तराए जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की ये सही है पहली लड़ाई ग्यारह सौ इक्यानवे ग्यारह सौ बानवे में दूसरी ग्यारह सो इक्यानवे तो पृथ्वीराज चौहान जीता था दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीता था मोहम्मद गोरी जीता और धन लूटपाट करके अपना यहाँ पे राज इस्टेब्लिश किया अपने गुलामों को छोड़ गया कुतुबद्दीन कुतुब्दीन को और उसने स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे बनाई बैटल ऑफ धर्मत शाहजहाँ वर्सिस दारा शेखो गलत बैटल ऑफ धर्मत समूहगढ़ ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी आपकी अकबर औरंगजेब की किसके साथ अपने भाइयों के साथ खास करके दारा शेखों के साथ तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ सी ऑप्शन बनेगा यही आपका करेक्टली मैच है बाकी कोई भी करेक्टली मैच नहीं है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बैटल ऑफ तरायन अगला बताइए जी तहकी हिंद एक पुस्तक है फेमस लिटरेरी वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है फेमस लिटरेरी वर्क है तहकीक़ हिंद ये लिखा गया है अलबरूनी द्वारा आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर बदोनी जो है बदोनी वो पर्सन है जिन्होंने आपका जो है डैट इज़ महाभारत को रजमनामा में चेंज किया था और रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया था ये दोनों पर्शियन वर्जन है ठीक है आ, बदोनी ने किया था अकबर के टाइम पे अकबर के टाइम पे किया था समझ आया क्लियर हो गया निज़ामुद्दीन अहमद बख्शी निज़ामुद्दीन अहमद बख्शी इन्होंने भी अकबर की जीवनी के ऊपर पुस्तक लिखी थी तबाकत ए तबाकत ए अकबरी इन्होंने लिखी थी क्लियर ये याद रखना इन्होंने लिखी थी और अगर बात करूँ आयने अकबरी की आइने अकबरी की और अकबर नामा की आइने अकबरी और अकबर नामा की ठीक है आइने अकबरी और अकबर नामा की यह पुस्तक जो लिखी थी ये आ, आ, जो है ये लिखी थी अबुल फजल ने अबुल फजल ने लिखी थी तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका डेट इज़ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अलबरूनी इज द राइट आंसर अलबरूनी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन तहकीक हिंदरूनी ठीक है अगला देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली विमेन प्रेसिडेंट का नाम बताइए कौन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली असेंबली के अंदर सारे लोग बैठे होते हैं ठीक है सारे लोग जितने मेंबर्स होते हैं और फर्स्ट विमेन प्रेजिडेंट कौन थी डैट इज़ विजय लक्ष्मी पंडित जी आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट right आंसर ये जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर है आंसर इज़ वन ऑप्शन और ये भंदर नाइके जो हैं ये श्रीलंका की पहली प्राइम मिनिस्टर रही हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बंदर नायके ही रही हैं सरोजिनी नायडू हमारे देश की पहली गवर्नर रही हैं लेडी गवर्नर और ये यूपी स्टेट की रही हैं क्लियर और यहाँ पे यूएनओ की बात आ रही है यूएनओ के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा चार पांच फैक्ट बता दूंगा चौबीस अक्टूबर नाइनटीन को ये बना था ये है न्यूयॉर्क के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं एफ डी ने एफ़ डी रूज ने जो है ये बताया था हमें एफ डी रूज ने यू का नाम हमें दिया था ठीक है और उसके बाद जो है 24 अक्टूबर इज़ द यू एन डे चौबीस अक्टूबर इज़ यू एन डे और यूनाइटेड uh, नेशन की बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी परमानेंट uh, मेंबर हैं फ्रांस रशिया और आपका ब्रिटेन और चाइना एंड देन यूएस ये आपके परमानेंट पांच मेंबर हैं और इनके पास वीटो पावर होती है वीटो पावर और ये मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हम बोलते हैं पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है और इसमें टेन एडिशनल मेंबर होते हैं जिनका कार्यकाल होता है दो साल क्लियर याद रखिए सब यूएन के हेडक्वार्टर होते हैं आपके न्यूयॉर्क में लेकिन उसमें एक ब्रांच है आई आई जे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हेग नीदरलैंड के अंदर हैं और इसके अलावा इसमें पंद्रह जज होते हैं एक जज का कार्यकाल नौ साल होता है क्लियर याद रखिए यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स बता देता हूँ मतलब जो आपके पार्ट्स हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ट्रस्टीशिप काउंसिल और आपका डेट इज़ इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वन टू थ्री फोर एंड पांचवा होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट सेक्रेटेरिएट में कौन है एंटोनियो गुटरिस एंटोनियो गुटरिस जो हैं ये आपके पोर्तगीज से पोर्तगाल से बिलोंग करते हैं और इनका कार्यकाल पाँच साल होता है तो दिस इज ऑल अबाउट द यू एन क्लियर चलिए ये हैं विजय लक्ष्मी पंडित जी द फर्स्ट लेडी चेयरपर्सन वहां पे अगला देखिए जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट जो है इनमें से किसने दिया था वो दिया था विलियम हार्वे ने आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर लैंडस्टिनर की बात करते हैं तो इन्होंने ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था हमें ब्लड ग्रुप का और लैंड स्ट्रीनर के साथ मिलके विनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें आर एच फैक्टर का आर एच फैक्टर का आर एच फैक्टर जिसमें होगा जिस वो पॉजिटिव होगा जिसमें नहीं होगा वो नेगेटिव होगा और सबसे ज़्यादा नाइन्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज आर एच पॉजिटिव क्लियर याद रखिए हर हरगोविंद खुराना इन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में पहली बार बताया था जेनेटिक कोड के बारे में इन्होंने पहली बार बताया था जो कि आपका प्रोटीन सेन्थिस में आपको हेल्प करता है समझ आया जी सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर विलियम हार्वे इज द करेक्ट आंसर विलियम हार्वे तो ये वाला पार्ट है जी आपका पूरा सर्कुलेशन का आता है क्लियर अगला देखिए द म्यूटेंट वेराइटी ऑफ वीट इज इसमें से वीट की जो वेराइटी है वो बतानी है कौन सी है गेहूं गेहूं का ओरिजिनल नेम मतलब साइंटिफिक नेम क्या है ट्रिटिकम एस्टिवम दिस इज द नेम ट्रिटिकम एस्टिवम इज अ नेम ठीक है अब इसमें म्यूटेंट वेराइटी जो है ये है शरावतीनोरा आंसर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन शरावती सोनोरा इज द राइट आंसर ये आपकी वीट की वेराइटी है आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट वन ये देखिए जी यहाँ पे याद कर लेना है पढ़ लेना है पेपर में आता है शराबती सोनारा इज अ वीट ठीक है और उसके बाद जो है आपका राइस की देखिए जगन्नाथ प्रभावती मोहन कोटन की एम ए नाई एम सी यू सेवन पूसा अजेती चिक्पी और पूसा और ये वाली पार्ट है पंत मूंग ये है मूंग बीन की बार्ले आर डी बी वन तो ये सारी की सारी जो है आपकी क्रॉप की वराइटीज़ हैं क्रॉप और वराइटीज के बारे में आपको जस्ट पता होना चाहिए क्लियर हो गया ठीक है जी करें आगे चलिए अगला बताओ कौन सा राइट जो है आपका अबॉलिश किया गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा फोर्टी फोर अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट जो है जनता पार्टी के टाइम पे देखने को मिली थी मोराी देसाई वॉजदा प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम और इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो नेशनल एमरजेंसी है उसमें एक पहला पॉइंट होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस सॉरी उसमें एक वर्ड होता है हाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हमने चेंज करके डाला था आर्मड रिबिलियन कि अगर आपका सैन्य विद्रोह होगा तब जाके जो है आपकी जो है एमरजेंसी uh, लग सकती है क्लियर और इसमें जो राइट right को आपका ख़त्म किया गया था वो किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया था यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं तो 25 से 28 नंबर तक आर्टिकल इसमें देखने को मिलते हैं एक्सप्लाइटेशन की बात करें तो 23 और 24 नंबर आर्टिकल देखने को मिलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन uh, रेमेडीज की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 देखने को मिलता है और 32 को हम और क्या बोलते हैं हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर संपत्ति का अधिकार ठीक है तो ये आर्टिकल थर्टी वन के अंदर देखने को मिलेगा खत्म करके अब तीन सौ ए के अंदर देखने को मिलेगा थ्री हंड्रेड ए के अंदर चलिए जी अगला बताओ जी हु द सन ऑफ सीमा विष्णु सीमा विष्णु का बेटा कौन था सीमा वर्मन सीमा विष्णु का बेटा कौन था डेट इज महेंद्र वर्मन वन आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर महेंद्र वर्मन वन क्लियर ये ये कभी भी था ये कभी भी था ठीक है महाविलासा परहंसा महाविलासा परहंसा ये इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी महाविलासा परिहंसा पुस्तक भी लिखी थी और विचित्र विचित्र चिता विचित्र चिता ये भी इन्होंने कंपोजिशन करी हुई है महेंद्र वर्मन वन ने महेंद्र वर्मन वन जो है महेंद्र वन महेंद्र वर्मन वन ठीक है जी क्लियर हो गया जी और इनका जो बेटा है वो है नरसिम्हा वर्मन वन नरसिम्हा वर्मन वो ही है जिनको ममाल कहते हैं रेसलर रेसलर कहा जाता है पल्लव वंश से बिलोंग करते हैं ये वही पर्सन है नरसिमा वर्मन वन जिन्होंने चालुक्य वंश के राजा पुलाके दो को हराया था और टाइटल क्या लिया था वतापी कौंडा वातापी कोंडा का टाइटल लिया था वातापी को जीतने वाला क्योंकि चालुक्या कैपिटल चालुक्यों की कैपिटल थी वातापी और बादामी ठीक है आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बन जाएगा क्लियर हो गया आप लोगों को तो आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर महेंद्र वर्मन वन इज द करेक्ट आंसर क्लियर सो ये है जी आपका आ, ये है टेम्पल डेट इज सेवन पगोड़ा महाबलीपुरम ठीक है ये उनके नाम पे ही है ममाल राजा जो है आपके डेट इज वातापी कोंडा डैट इज नरसिम्हा वर्मन वन क्लियर सो याद रखिए सो गाइज ये हैं आज की के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम चैनल के साथ आपको 100 परसेंट यहाँ पे ज्वाइन करना है एक लाख पैंतीस हज़ार प्लस बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स होते हैं सारे वीडियो लेक्चर पी वगैरह शेयर किए जाते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर आप डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर जैसे अभी हमने पढ़ा अभी तो ऐसे ही हम जो है टेन थाउजेंड एम सी की कोर्स है मेरा पेड कोर्स है जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज एम सी डिस्कस करते हैं डिटेल में यहाँ पे चैप्टर वाइज एम सी तो है ही है प्लस यहाँ पे अलग अलग एग्जाम को फोकस करके आपका डिफेंस एग्ज़ाम स्टेट पी और आपके जो है एस बैंक एस रेलवे का भी कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अपने अलग अलग फोल्डर में बनाए हुए हैं और इसके अंदर एक ओपन कोड है विपन टैन लगाएंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को जी एस कोर्स जो है हमारा एक थियरी कोर्स है ये वाला कोड लगा लगे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से कर सकते हो दो जगह से या तो आप स्टडी आई ऐप से आप परचेज़ कर सकते हैं या आप वेबसाइट से स्टडी आई क्यू डॉट कॉम से जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज यहाँ पे आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर आएगा व्यू ऑल का बटन इस व्यू ऑल के बटन को दबाना जैसे आप दबाएंगे टेन थाउजेंड एम सी कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर और जी एस कोर्स आपको दिखेगा चौथे नंबर के ऊपर क्लियर सो so, जो भी आपको कोर्स अच्छा लगता है आप परचेज कर सकते हैं लेकिन अगर आपका एग्जाम तीन चार महीनों में है कुछ चार पाँच महीनों में है तो आप जो है टेन थाउजेंड एम कोर्स को आपको परचेज करना है और इससे आपको प्रेपरेशन आगे लेके जानी है लेकिन अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर है और आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं आपको कुछ पता ही नहीं है जी के बारे में तो आपको जी कोर्स परचेज करना पड़ेगा लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है जी का तो मैं आपको सीधा रिकमेंड करूँगा टेन थाउजेंड कोर्स की तरफ आप जाइए और इसको पढ़िए क्लियर सो सुगाइज ये हैं आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन थैंक यू सो मच एंड गुड लक टेक केयर बाय बाय जय हिंद